हाँ तो ये बताइए कि आपका सीबीटी 2 का पेपर 1 में कितना स्कोर था? सर मेरा 72.73 के समथिंग था। इसके बाद फिर रिजल्ट एक बार अपडेट हुआ था। हाँ हाँ अपडेट हुआ तो मेरा 76 हो गया था मार्क्स। अच्छा अच्छा तो आप भी कहीं रिजल्ट अपडेट बाहर भीतर तो नहीं हुए थे ना? नहीं नहीं आप हमेशा अंदर ही थे। हमेशा अंदर ही था मैं। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या हो रहा था, कभी बाहर हो रहे थे कभी अंदर। उस समय कट ऑफ केवल 47 ऐसी कुछ 54 थी कट ऑफ इलाहाबाद बोर्ड से। साइको के पहले 54 मार्क्स थे ओनली कट ऑफ, तो मैं पहले से भी अंदर ही था। और पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपका रॉ मार्क्स कितना था? पेपर 2 में सर मेरा रॉ मार्क्स 44 था। अच्छा और नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था? नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा उसमें तो 100 में निकाला था फिर उसको। हाँ हाँ ऐसे करके निकाला था ना उसको। हाँ हाँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वालिफाई था तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो आपका ये सीबीटी 2 क्लियर हो गया। तो सीबीटी 2 पेपर देने के बाद फिर अब आपके बारे आती सीबीटी 3 की, क्योंकि कम्प्लीटली अलग तरीके का एग्जाम होता है। क्योंकि अभी तक जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देते आ रहे थे इस तरह का बहुत सारे एग्जाम से आप वो थे मतलब फ्रेंडली थे, लेकिन सीबीटी 3 एक कम्प्लीटली अलग तरीके का एग्जाम होता है, साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो साइको के लेकर के क्या आपके मन में पहले से कुछ नर्वसनेस थी कि कैसे एग्जाम होगा, इतना दूर तक पहुंच गए हैं अब आगे की जगह छटा जाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्या था उसके बाद का आपका अप्रोच? शुरुआत में क्या होता है पता नहीं था कि साइको एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ पहले तो पता चला कि पहले लोग वैसे बोलते थे फिगर दिखाते हैं तो जल्दी में पिक करना होता है। हाँ जब क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद फिर हमने वो देखा बुक, एक बुक खरीदा मैं। हाँ उसके बाद ऑनलाइन बुक का नाम बता दीजिए बुक यदि याद हो तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राइटर का नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वो बाद में बता दिया कमेंट में भी आप बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने बुक प्रेफर किया उसके बाद उसी बुक को पूरा बनाया तो एक और बुक खरीदा था उसके बाद उसी बुक खरीदा और फिर एक ऑनलाइन टेस्ट से गया, क्योंकि टेस्ट 3 ऑनलाइन होने वाला था पेपर होता था सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ये जो ऑनलाइन दे रहे थे एग्जाम उसमें चीज था कि टेस्ट नहीं दे रहे थे उसमें स्टॉल काम कर रहा था माउस का, और जब वहाँ पे गए एग्जाम देने तो स्टॉल काम नहीं कर रहा था उसको खींचना पड़ा था पॉइंट को पकड़ के खींचना पड़ रहा था उसको, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ जब एग्जाम देने गए सेंटर पे, क्योंकि जैसे उसको स्क्रॉल करे थे पता चला कि 5 क्वेश्चन स्क्रॉल करने थे 10 स्क्रॉल हो गए ऊपर की तरफ। तो शुरुआत से थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ती है, 4 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन करने होते हैं तो 96 क्वेश्चन मतलब कि ऐसा करो कि आप 3.5 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा रूम पर जब जल्दी प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर रहता है तो वो टाइम पूरा मैनेज हो जाता है वहाँ पर कर पाओगे। तो ये आपका साइको को लेकर टाइम मैनेजमेंट साइको को लेकर ज़्यादा मतलब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है क्वेश्चन बहुत सारे, हालांकि सब आंखों का ही काम होता है तुरंत टिक करना होता है आपको। तो साइको को लेकर के आपको कभी नर्वसनेस वगैरह फील नहीं हुआ? नहीं ऐसा। तो साइको के लिए आप कन्फर्म था कि आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा या डाउट में थे थोड़ा? नहीं कन्फर्म था कि इसमें सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, इतना टेस्ट भी दे लिया था कि उसको लगता प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसको आपने साबित करके दिखा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, आपने सीबीटी 1 भी दे दिया, सीबीटी 2 भी दे दिया, सीबीटी 3 भी दे दिया, तो मतलब आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे थे, तो जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम भी दे चुके हैं और टेस्ट सीरीज भी दे चुके हैं, तो उन सारे टेस्ट सीरीज ने आपको कहाँ तक किस लेवल तक मदद करी, या उन टेस्ट सीरीज में आपको कुछ कमी भी लगी? यदि फ्यूचर में वो कंपनी टेस्ट सीरीज बनाती है तो उन कंपनियों से आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ जब मैंने एक्चुअल एग्जाम दिया तो ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी, यदि इस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा, या कुछ ऐसा चीज़ जिसको आपको लगता है कि नहीं हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हटा ही देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका टेस्ट सीरीज परफेक्ट था एकदम, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ना कुछ कम, और उनका सबसे बढ़िया था कि जो एनालिसिस था ना उनका वो बहुत अच्छा था, वो उसको एकदम आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस दिखा रहे थे उसमें कि आपको कौन सा टॉपिक आपको वीक है, कौन सा टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी थी, एनालिसिस सबसे बेहतरीन था, और उसमें आप एनालिसिस करके देखेंगे उसके बाद आप उसको आप अपना कंप्लीट कर लीजिए जो भी आपको लगे नहीं ये वीक नहीं हो पा रही, तो टेस्ट सीरीज की परफेक्ट थी, टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपको क्या लगता है उस सिलेक्शन में उस टेस्ट सीरीज का कितना परसेंटेज रोल रहा है कि आप आज यहाँ पे एक रेलवे के कर्मचारी हैं, ALP है? जी
पढ़ना तो जरूरी है ही, हर क्रिकेट सिलेबस तो कंप्लीट करने होता है, मगर टेस्ट सीरीज क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस लाती है, टेस्ट सीरीज आपको परफेक्ट कर देती है एग्जाम एग्जाम में बैठने के लिए। एक बार क्या होता है, कई बार लोग तैयारी तो रहती है लेकिन वहाँ जाकर नर्वस हो जाते हैं थोड़ा सा, कई लोग इतना फ्रेंडली नहीं रहते हैं सिस्टम से, कई लोग जैसे रेलवे का एग्जाम क्या है कि रेलवे का एग्जाम कोई आता है तो गाँव गाँव से लोग एकदम दौड़ते हैं रेलवे एग्जाम, तो गाँव का लोग थोड़ा सा वो रहते हैं। बताया जो लोग ऐसे सी एग्जाम देते रहते हैं तो मैंने बताया कि जो लोग कंप्यूटर से फ्रेंडली रहते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, और खासतौर से अगर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट ही तो लगाइए जो ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का अलग ही रोल होता है। तो यहाँ तक आप CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, CBT 3 हो गया, तो इस पूरे जर्नी में CBT 1 CBT 2 CBT 3 आपका फोकस ALP के अलावा और कहीं नहीं था? जी उस समय यही वैकेंसी मतलब चल रही थी तो उसी पे फोकस था। अच्छा, मतलब कोई वैकेंसी आ भी जाती तो आप भरते या नहीं भरते? नहीं, मतलब कोई कोई होता कि नहीं मुझे पहले इसको क्लियर करना है हाँ जाना तभी हम कुछ भरे, तो कोई भरते भी नहीं। फॉर्म तो भरे मैंने, आपका क्या अप्रोच था? फॉर्म तो भरे मैंने उस दौरान और भी वैकेंसी हुई, बट उस दौरान एग्जाम नहीं थे मेरे, या जो एक आध एग्जाम पढ़ा भी मैंने नहीं दिया उसको। अच्छा, मतलब आप इसके लिए डेडिकेटेड थे? क्योंकि जब जैसे कि मतलब आपने कुर्बानियां करी हैं, आप जैसे दो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप साइको के लिए जा रहे हैं आप, और उसी दौरान आप किसी और चीज में लग गए तो हो सकता है इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एक तरफ आप एग्जाम में फाइनल की तरफ है, दूसरा दूसरे एग्जाम की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले फाइनल कर लीजिए उसको। तो अब बात आता है CBT 3, तो CBT 3 देने के बाद फिर आप उसके बाद आप क्या कर रहे थे? मतलब ऐस कर रहे थे, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्या रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या पढ़ाई कर रहे थे? तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसके बाद घर चला गया था, वहाँ से कानपुर में था मेरा एग्जाम, थोड़ा मतलब रेस्ट करने के लिए पढ़ाई करते करते थक गए थे। अच्छा, तो कितने दिनों का मूड फ्रेश करके आए घर से फिर वापस? घर पे थोड़ा काम भी था मुझे, काफी दिन रहा घर उसके बाद आया, अरबी जेई का एग्जाम था, जेई के लिए प्रिपरेशन करने लग गया उसको। अच्छा, जेई में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुई सर, तो उन्होंने जैसे ही प्री का रिजल्ट अनाउंस किया और उसके तुरंत लगभग बहुत कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया था मेंस के लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत रही, वरना उसमें भी अच्छा मतलब प्रिपरेशन भी ठीक थी उसमें। अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसका, तो अब आप CBT 3 देने के बाद आप रिजल्ट वेट करते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आएगा, तो क्या आप कन्फर्म थे कि आपका नाम आ ही जाएगा? जी, या थोड़ा सा था नहीं जैसे कि उसका लगभग कंफर्म था, क्योंकि क्या था कि कट ऑफ से मैं काफ़ी ऊपर था, तो मुझे लग रहा था कि आराम से हो जाएगा मेरा कोई दिक्कत नहीं। तो वो डेट याद है जिस दिन आपका वो रिजल्ट आया कि आप डॉक्टर डीवी के लिए आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है? अच्छा, वो जून में आया था सर जी। अच्छा, कुछ खुशी था कि बस ऐसा ही था कि हाँ होना ही था, हो गया? नहीं, खुशी तो होती ही है, खुशी होती है, क्योंकि हुआ कि 10 मई को जैसे एग्जाम हुआ था हम लोग का साइको, तो उसके बाद वो पेपर कुछ लोगों का अटक, मैंने बोला अटक जा रहा था, तो वो 21 जून को हुआ था, 21 जून को हुआ था दोबारा से, फिर उसके बाद 25 जून को शायद 21 मई को हुआ था, 25 जून को शायद रिजल्ट क्लियर होता है, फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ था, तो 25 जून को आ गया, उसके बाद टीवी के लिए दिखाने लगा था उसमें, तो उसके बाद 5 लिस्ट आया था टोटल, और फोर्थ लिस्ट में मेरा नाम था मेडिकल के लिए। अच्छा, ऐसे लिस्ट आते रहा, तो मैंने कहा शुरुआत में मेरा अभी नाम नहीं आया कैसे, टीवी उसमें रोज देखता था उसको खोल के, टीवी के लिए वह दिख रहा था, फिर उसके बाद नाम आया डीवी हुआ मेडिकल हुआ। मतलब DV 1 DV 2 DV 3 DV 4 यहाँ तक आपका नाम, DV 5 में आपका नाम आया? नहीं, DV 4 में मेरा नाम आया था, 5 लिस्ट आया था टोटल। अच्छा अच्छा, अलग अलग टाइम पे, पहले डीवी एक शेड्यूल निकाल दिया उन्होंने कुछ दिन के लिए, दूसरा शेड्यूल निकाल दिया, फिर तीसरा शेड्यूल आते करके, तो 4 शेड्यूल। तो जब DV 1 वालों का नाम आ रहा होगा तो DV 1 वालों का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, तभी तो DV 2 वाले का नाम आ रहा होगा। तो जब इस दौरान DV 1 वाले का, DV 2 वाले का, DV 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो उस दौरान कभी घबराहट लग रही थी कि शायद मेरा नाम नहीं आएगा या कुछ? घबराहट कुछ नहीं थी उसमें, क्योंकि मतलब श्योर था कि नाम तो आएगी, देरी हो रहा है, बस देरी हो रहा है कि ये था कि जब मेरा रोल नंबर मतलब जो भी उनका प्रेफरेंस आएगा उसके अनुसार जो भी जब मेरा रोल नंबर आएगा तो आ जाएगा, मेरा नाम दिया जाएगा, और मैं दूसरे एग्जाम के लिए देख रहा था। अच्छा ओके, ठीक है, तो आपका जब नाम आया तो फिर कितने दिनों के बाद आपका डीवी के लिए बुला लिया गया? डीवी के लिए सर 26 अगस्त को मैं डीवी देने गया था। 26 अगस्त, वो डेट आपको याद है? हाँ, डेट याद है। हाँ, तो आपका कहाँ हुआ था? आरआरबी इलाहाबाद में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से आपको जाना चाहूँ, क्योंकि अभी ग्रुप डी 2019 वाला स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी एग्जाम होगा, और जो मेन समस्या होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल को लेकर के ही होती है, क्योंकि यहाँ तक तो रिटर्न एग्जाम हुआ, यहाँ तक सारे स्टूडेंट को वही होता है, कोई परेशानी। अब आ जाती है बात पर्सनल पे कि आप रेलवे में सिलेक्टेड मतलब एम्प्लॉय होने वाले हैं, तो आपको पर्सनल इंडिविजुअली सब कुछ आपको चेक किया जाता है।
है, क्योंकि साइको तक आप भी साथ बैठ रहे, मैं भी साथ बैठ रहा हूँ, लेकिन अब डॉक्यूमेंट बैलेंस आप अलग जाओगे मैं अलग जाऊंगा, आप अलग बोर्ड में जाओगे मैं अलग बोर्ड में जाऊंगा, आपका अलग डॉक्यूमेंट होगा मेरा अलग डॉक्यूमेंट। तो आप विस्तार से बताइए आरआरबी इलाहाबाद में जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था शुरू से शाम से लेकर के इवनिंग तक घंटे बाई घंटा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताइए, ताकि भविष्य में कोई छात्र आरआरबी इलाहाबाद में जाए तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन की जगह न रह जाए। समुरान इंस्टीट्यूट पे हो रहा था सर वहाँ पर, तो मेरा सुबह की शिफ्ट में था, तीन शिफ्ट में चल रहा था, सुबह की शिफ्ट में जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक घंटे में सारा काम निपट जा रहा था, बस खाली आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले से लिस्ट दी हुई थी वो डॉक्यूमेंट लेके जाने थे आपको, देने थे वो आपको सबमिट कर रहे थे, और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म था उनके पास पहले से ही अवेलेबल था, उस ऑनलाइन फॉर्म से वो मैच करा रहे थे, और आपको वो फोटो कॉपी रख ली थी उन्होंने, उसके अलावा वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे खाली, उसके बाद वो उन्होंने आपको दे दी थी और आपके थंबनेल जो है वो मैच कराया जा रहा था थंब इंप्रेशन, और आपका जो इसके फोटो वहीं पे खिंच रहा था, एक कैप्चर कोड लेके ऐसे फोटो खिंचवाना था तख्ती के साथ, तो वो कैप्चर ही आपका जहाँ भी बार कोड स्कैन हो रहा था तो बार कोड तुरंत ही ले ले रहा था वो, आपकी सारी डिटेल आ जा रही थी, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी था आपके लिए तो आपको 7 दिन का टाइम दिया गया था और उन्होंने अंडरटेकिंग भरवा दिया था, अंडरटेकिंग में वो टिक करवा दिया था उनकी ये डॉक्यूमेंट का नहीं है, आप 7 दिन में जाके आरआरबी इलाहाबाद जो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय था वहाँ चले जाइए आप और जमा कराइए वहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कोई समस्या नहीं है, 7 दिन का टाइम था आपके पास, आराम से बनवा के ले जाइए वहाँ जमा कर दीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव भी था स्टाफ और एक दिन में कम्प्लीट भी हो गया, उसी के अगले ही दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया गया। हाँ, तुरंत ही आपको एनआर के लिए लखनऊ के लिए भेज दिया था हम लोगों ने, मेरा लखनऊ में हुआ था, और कुछ लोगों का इज्जत नगर में था, कुछ लोगों का आगरा में था, कुछ लोगों का झांसी में था, ऐसे करके अलग अलग जगह जा रहे थे। तो किसको कौन सा हॉस्पिटल मिलेगा या किस बात को ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये रेलवे का अपना डिसीजन था, रेलवे का अपना डिसीजन था। अच्छा, और वो मेडिकल मेमो इशू कर दे रहे थे आपको, बस मेडिकल मेमो लेके आप जाइए, तो सेम जो एडमिट कार्ड की तरह मेडिकल मेमो था, जो आधा जो स्लिप था वो पहले से ही मेडिकल सेंटर पे आपको पहुंचा हुआ था, जहाँ पे आपका जैसे जिस जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जाना था आपको वहाँ जाना, हम लोग वहाँ से निकले सीधे लखनऊ, लखनऊ में हमारा एक ही दिन में वहाँ मेडिकल हो गया था। हाँ, तो अगला कन्फ्यूजिंग स्टेप यही होता है मेडिकल का, इसके बारे में भी आप विस्तार में बताइए, ताकि लखनऊ में कोई छात्र जो मेडिकल के लिए जाए तो उसके लिए कोई कन्फ्यूजन की जगह न रहे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए कि मेडिकल में क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ एकदम विस्तार से। उसमें सर बहुत ही सिंपल था, उसमें सारा एक तो आप जैसे कि अभी आप जैसे सीजीएल का रिव्यू कर रहे थे अभी यहाँ पर, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए, तो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था बाकायदा कि आप जिस दिन मेडिकल में आए तो आप कुछ खाना खा के नहीं आए, मतलब खासतौर से आप चीनी वगैरह का कोई भी सेवन ना करें, खाली पेट आए उस दिन, ताकि शुगर वगैरह का टेस्ट होगा आपका तो वो प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा भी जैसे कि बच्चे कोई था, किसी ने सुबह से खा लिया चाय वाय पी लिया, ऐसे पहुँच गया कोई स्टूडेंट, उन्होंने कहा पानी दे रहे थे वो लोग वहाँ पर, आप पानी पीजिए और बार बार खूब पानी पीजिए और बाथरूम जाइए फिर पानी पीजिए फिर बाथरूम जाइए, ताकि आपको जब शुगर टेस्ट हो तो नॉर्मल हो जाए चीज़ें। तो सबसे वहाँ और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन जो था वो आई टेस्ट ही था, और उसमें भी वो डिस्टेंस विजन का जो रोल था वो सबसे बड़ा था, डिस्टेंस विजन अगर आपने क्लियर कर दिया तो ये समझिए कि आपका 80% मेडिकल मतलब हो गया आपका, क्योंकि डिस्टेंस विजन को लेकर क्या था कि ना कि यहाँ पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ पे बॉक्स लगा रहता है डॉक्टर के पास, और हम लोग आसानी से अक्षर पढ़ देते हैं, बस अक्षर पढ़वाते हैं वो लोग, बचपन से जब ABCD पढ़ते रहते हैं तो हल्की सी झलक भी हमको दिखाई दे रही तो हमने आप बता दिया कि ये अक्षर लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वो ABCD नहीं पढ़वा रहे थे वो आपसे, वहाँ पे सीकट दिखाया जा रहा था, और सीकट भी यहाँ पे क्या होता है कि वो 6x6 मतलब 6 मीटर आपको लेंथ होती है, तो वो 6 मीटर यहाँ पे क्या डॉक्टर के ऐसे शीशा लगवा देता है उल्टी साइड लिखवाते हैं, तो 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर उल्टा काउंट कर लेते हैं वो, और वहाँ क्या था कि वो टोटल 6 मीटर ऐसे ही सामने ही थी, तो वो लगभग 20 फीट की दूरी पे 19.6 के समथिंग आता है, 20 फीट की दूरी पे था वो, और उसमें क्या था कोई लाइट नहीं जल रहा था, यहाँ पे क्या था कि बॉक्स में लाइट जलती है तेजी से, उसमें कोई लाइट नहीं जली थी, लेकिन जो रूम था उसमें बहुत कस की लाइट थी, और उसमें क्या था वो लकड़ी का था, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा हमें देखने में पहले, ये कैसे, ये तो कभी देखा ही नहीं, ये तो डॉक्टर के पास होता ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें ऐसे एक जो हेल्पर थे वहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट थे, वो डॉक्टर ऐसे पूछ रहे थे कि बताइए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपको जल्दी जल्दी से पूछ रहे थे वो, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 6x6 स्टार्ट करेगा, वो आपको डायरेक्ट 6x6 से ही स्टार्ट करेंगे, नीचे से ही पूछेगा कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर, क्योंकि 6x6 तो सबको दिखता है बड़ा सा लिखा हुआ है, गोला कहाँ कटा हुआ है, तो सबको बता दिया सीकट पढ़वाते हैं पहली बात वहाँ, तो उन्होंने सीकट में क्या करते हैं कि वो लोग वो मेडिकल अटेंडेंट पीछे खड़ा हुआ था ऐसे हाथ करके, तो उस गोले को घुमा दे रहे थे ऐसे करके, अच्छा, कभी उस गोले को ऊपर कर दे रहे थे, कभी उसको नीचे कर दे रहे, कभी लेफ्ट कर दे, राइट कर दे रहे, जल्दी जल्दी पूछ रहे थे वो, कभी कभी बच्चा क्या होता है कि कोई फ्रिक्वेंट नहीं कि लेफ्ट
जल्दी याद नहीं रहता कि लेफ्ट ये लेफ्ट ये राइट है, तो बोल दे आप बोल दीजिए कि सर मैं इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो पा रहा हूँ जल्दी से, आप वो कर दे रहे हैं ये लेफ्ट या राइट है, तो बोल लेते कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ से बता दीजिए कि किधर को कटा हुआ, इधर को कटा हुआ या इधर को कटा हुआ या ऊपर कटा हुआ या नीचे कटा हुआ, तो आप हाथ से भी बता सकते हैं उसको सिंबल करके। तो बस यही है कि वो उसको घुमा रहे थे बार बार और आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, और जब छोटा सा गोला दिखता है और वो भी 20 फीट की दूरी पर रखा हुआ था और उसमें लाइट नहीं जल रही थी, जैसे कि मैंने बताया रोशनी उसमें रूम में खूब थी लेकिन वहाँ पे उसमें रोशनी नहीं थी पर्टिकुलर, जैसे डॉक्टर के पास बॉक्स में खूब रोशनी जाती है उसमें आसानी से पढ़ देते हैं, तो वहाँ पे उसमें डिस्टेंस में थोड़ा सा परेशानी होती है। अच्छा, एग्जाम अभी 5 बजे ख़त्म होगी ना? जी 5 मिनट बाकी। तो ये आपका मेडिकल का आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, तो एक दिन में मेडिकल हो गया था? एक दिन मेडिकल हो गया था, बकाया जिसको थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम बाई चांस हो गया या किसी वजह से एक्सरे वैक्से लिया या उन्होंने पेट से क्या कहलाते वो किया, तो उसमें कोई किसी का पथरी एक बच्चे पथरी निकल आया था जैसे, उसको टाइम दिया था उन्होंने कि आपको ये इतना टाइम है और आपको इसको ऑपरेशन करा के लाना है, बकायदा MBBS डॉक्टर से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उसका सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है जो भी कागज हो, उसके बाद फिर आपको यहाँ चेक करेंगे आपको ले लेंगे, ऐसा नहीं खूब मौका दे रहे थे वो, ऐसा नहीं था कि तुरंत ये हुआ देखा भगा दिया कि नहीं वैसे गड़बड़े, इसका आँख में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, दो बच्चे का 6x6 नहीं हो रहा था, तो एक बार फिर से उनको मौका दिया गया था लास्ट में जब सारे चेकअप हो गए, तो लास्ट में फिर से उनको बुलाया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भी बताते नहीं थे वहाँ पे कि आप क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी रिपोर्ट भेजेंगे, बकाया DM भी रिपोर्ट आएगी आपकी, आप उसको देख लीजिएगा, बस ये एक दिन में सारा प्रोसेस हो गया। चलिए उसके बाद आती है पैनल की बारी, पैनल में नाम आ गया तो कैसा लगा? नाम आ गया तो बस कन्फर्म हो गया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में हमारे व्यूअर से? बस सर व्यूअर से यही कहना चाह रहे हैं, तो लास्ट मैसेज अपना पेशेंस रखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए डेडिकेशन रहेगा आपका पेशेंस रहेगा तो एक दिन जरूर मिलेगी, आप ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे कठिन परिस्थिति के समय जब कोई प्रिपरेशन करता है तो वो टाइम काफ़ी पेनफुल होता है हर एक बंदे के लिए, उस समय काफ़ी कंसेप्ट रहता है वो अपने ही में खो जाता है थोड़ा सा, तो यही है आप पेशेंस रखिए और डेडिकेशन साथ लगे रहिए, एक दिन जरूर होगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द मैंने इनको डिटेल बाय डिटेल आपके सारे सवालों को कवर कर लिया, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि इस तरह का महानुभाव का इंटरव्यू हम लोग आपको समय समय पर लाते रहते हैं। ओके, तो चलिए, और सर का नंबर रहेगा हमारे पास, तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तो सर को भी हम लोग लिंक भेज देंगे या तो सर ही आपके कमेंट का जवाब दे देंगे, नहीं तो हमारे पास जानकारी होगी तो हम आपको जवाब दे देंगे, और जिस दिन आप लोग का डिमांड होता है तो सर का हम लोग फिर से एक नंबर के रहेगा, तो वीडियो कॉल के बेसिस पे मिल करके जैसा भी होगा एक फ्यूचर में इंटरव्यू कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।